फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिजाइन का तोरण लेकर आई हूँ देखिए उसे बनाने के लिए मैंने ये रेड ऑरेंज वाइट और ये स्काई ब्लू कलर में वूल ले लिया है वूल मैंने फोर प्लाई का लिया है आप अपने हिसाब से टू या थ्री कलर में भी वूल ले सकते हैं और ये दस नंबर की कृषिया अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं तोरण पट्टी बना लेना है तो उसके लिए हमें इस तरह से क्रोशिया में स्काई ब्लू कलर से नॉट लगा लेना है एक फिर इसमें हमें बारह चैन बनाना है दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देखिए हमने इसमें बारह चैन बना लिया अब हमें इसमें यहाँ से एक दो तीन चैन को स्किप करना है चौथे चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है देखिए फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया फिर उसके नेक्स्ट चैन में इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है सेम उसी तरह से हमने नौ चैन में नौ बार डबल क्रोशिया और यहाँ पे जो हमने थ्री चैन स्किप किया था वो टोटल दस डबल क्रोशिया हो गया फिर हमें देखिए यहाँ पे एक दो तीन चैन बना के ऐसे टर्न करना है और फिर जो हमने दस डबल क्रोशिया बनाया है नीचे उसी के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें दस डबल क्रोशिया बना लेना है ये देखिए इस तरह से फिर देखिए नेक्स्ट के ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है ये बहुत ही इजी तोरण पट्टी है फ्रेंड ये बहुत कम टाइम में बन जाता है तीन तीन छः तीन नौ और एक दस दस डबल क्रोशिया हमने फिर से बना लिया अब एक दो तीन चैन बना के फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है देखिए इस तरह से से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए तोरण पट्टी को बना लेना है इसे आप जितना लंबा बनाना चाहते हैं उतना लंबा इसी तरीके से हमें बना लेना है ऐसे हमने ये दस डबल क्रोशिया कर लिया जैसे मैंने आपको ये तीन लाइन बना के दिखाया है फ्रेंड सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है गे? सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा तोरण पट्टी बना के रेडी कर लिया है अब लास्ट में हमें यहाँ पे एक चेन बनाकर ऊल को कट कर देना है ये हमारा तोरण पट्टी बन के रेडी हो गया है अब हमें इसमें तोरण बनाना है तो चलिए मैं आपको तोरण बनाना बताती हूँ तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना ले लिया है यही मैं आपको इधर बना कर तो देखिए यहाँ पर हमें जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः लाइन स्किप किया था सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे भी छः लाइन स्किप कर देना है एक दो तीन चार पाँच छ छः लाइन को स्किप करना है और यहाँ पे देखिए हमने ये वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर पे पर ले लिया है अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः छः लाइन को स्किप करना है सातवीं लाइन में ये देखिए इस तरह से हमें इसे आठवीं लाइन में जॉइंट कर लेना है वूल को फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस तरह से आठ चैन बनाना है और यहाँ पे ये देखिए ये जो हमने ये सातवीं लाइन है यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः लाइन को स्किप करने के बाद सातवीं लाइन से इस तरह से हमें इसे ऐसे ही जॉइंट कर लेना है इस तरह से अब यहाँ पे देखिए ये जो चैन हमने बनाया है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से आ जाना है अब यहाँ पे हमें एक दो तीन चार पाँच इसी तरह से तीस चैन बनाना है छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताइस अट्ठाईस उनतीस तीस ये देखिए हमने ये तीस चैन यहाँ पे बना लिया अब ये जो हमने ये चेन का बॉक्स बनाया है इसी इस तरह से हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देना है इसके बाद फिर हमें तीस चैन बनाना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस ये देखिए हमने फिर से ऐसे तीस चैन बना लिया और फिर सेम इसी जगह पे हमें ये देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है अब जैसे देखिए मैंने आपको ये दो चैन का बॉक्स बना के दिखाया एक दो इसी तरह से हमें ये टोटल आठ चैन का ऐसे बॉक्स बना लेना है सेम उसी प्रोसेस से मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ ऐसे ही चैन का बॉक्स बना लिया फिर देखिए हमने ये ऑरेंज कलर का वूल ले लिया है क्रशिया में नॉट लगाकर और यहाँ से एक दो तीन चार चार लाइन को स्किप करके पांचवे लाइन पे हमें इस तरह से इसे ऐसे ज्वाइंट कर लेना है देखिए इस तरह से अब इसके बाद हमें ये जो हमने ये चैन बनाया है एक चैन का बॉक्स लेना है और इसी में इस तरह से देखिए हमें ऐसे ही ज्वाइंट कर लेना है ऊल को जैसे हमने यहाँ पे देखिए किया है इसके बाद देखिए हमें इसमें बारह चैन बनाना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इस तरह से देखिए हमने ये बारह चैन बना लिया अब इतना हमें धागे को ऐसे खींच लेना है और फिर देखिए ये जो हमने बारह चैन बनाया है हर एक चैन में से इस तरह से हमें फंदा निकालते हुए ऐसे ऐसे क्रोशिया के ऊपर लेते जाना है ये देखिए फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही फंदा निकालना है इतना लंबा खींचना है जितना हमने स्टार्टिंग से ही लिया है फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में इसी तरह से हर एक चैन में हमें बारह चैन में ऐसे बारह फंदा ले लेना है इस तरह से खींचते हुए देखिए नेक्स्ट चैन में फिर से फिर ऐसे ग्यारह और ये लास्ट में देखिए बारह इस तरह से हमने ये बारह फंदा ले लिया इस तरह से क्रोशिया पे लेकर अब हमें इन सबको देखिए एक साथ ऐसे ही ऐसे बाहर कर लेना है ये देखिए अब इसे हमें इस तरह से टाइट करते हुए ये देखिए ऐसे बंद कर देना है और फिर इसी जगह पे जहाँ पे हमने देखिए इस फर्स्ट चैन में उसी जगह पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बंद कर देना है ये देखिए ये इस तरह से पैटर्न बनेगा अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात देखिए सात चैन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट ये देखिए हमें एक चैन का ऐसे बॉक्स लेना है और फिर इसके बीच से हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है सिंगल क्रोशिया से और इसमें हमें फिर से ऐसे बारह चैन बनाना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये देखिए हमने फिर से ऐसे बारह चैन बनाया अब फिर से इतना लंबा धागा हमें खींचना है और फिर सेम इसी तरह से जैसे हमने एक आपको बना के दिखाया है सेम उसी तरह से फिर से ऐसे ही हर एक चैन में इस तरह से हमें फंदा लेते हुए क्रोशिया के ऊपर ऐसे लेते जाना है ये देखिए फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में इसी तरह से हमें फंदे को लेते हुए ये पूरा बारह चैन में ऐसे बारह बार, बार फंदे ले लेना है ये देखिए फिर ऐसे नेक्स्ट में ये देखिए हमने ये बारह ऐसे फंदा ले लिया अब हमें इन सबको एक साथ ऐसे ही ऐसे टाइट बंद कर देना है ये देखिए इस तरह से एक साथ हमने ये बंद कर लिया अब इसी जगह पे ये देखिए जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया था सेम उसी जगह पे हमें फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ऐसे ही ये देखिए बंद कर देना है ये देखिए हमने ये दो बना लिया अब हमें फिर से ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः सात सात चैन लेकर फिर नेक्स्ट चैन के बॉक्स में ऐसे जाना है फिर सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही जैसे हमने ये फ्लावर बनाया है दो ये दो पैटर्न सेम इसी तरह से हमें हर एक चैन में ऐसे एक एक पैटर्न बनाते हुए सात सात चैन के साथ इसे कंप्लीट कर लेना है ऐसे आठ ये मैंने जैसे आपको ये एक दो दो बना के दिखाया ऐसे हमें आठ चैन में ये आठ ऐसे ही बना लेना है सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ऐसे ही आठ ये पैटर्न मैंने ये पत्ती का बना लिया है अब यहाँ पे जे, देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये चार लाइन स्किप करके पांचवी लाइन में जॉइंट किया था सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे भी हमें एक दो तीन चार चार लाइन को स्किप करना है और पांचवी लाइन में इससे इस तरह से देखिए हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करके फिर इसी जगह पे एक बार और सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बंद करते हुए एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है देखिए इस तरह से ये हमारा एक लाइन बन गया आई ब्लू कलर का वूल इस तरह से नॉट लगा कर ले लेना है और ये देखिए जहाँ पे हमने ये चैन बनाया है ये सात चैन इसी जगह पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है और फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इस तरह से बारह चैन बनाना है फिर सेम इतना हमें जैसे हमने ये आपको फ्लावर बना के दिखाया है सेम उसी तरह से इतना हमें ये ढीला करके फंदा ले लेना है और फिर देखिए हमें हर एक चैन में से एक एक बार ऐसे फंदा निकालते हुए क्रोशिया के ऊपर लेते जाना है ये देखिए फिर नेक्स्ट में ऐसे ही बारह चैन के ऊपर से हमें बारह बार ऐसे बार ही फंदा ले लेना है देखिए ऐसे ही हर एक चैन के ऊपर से हमें एक एक फंदा को ऐसे लेना है फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर देखिए ऐसे ही नेक्स्ट के ऊपर फिर यहाँ नेक्स्ट के ऊपर इसी तरह से देखिए हमने ये बारह चैन में ऐसे ही बारह फंदा ले लिया अब इन सबको एक साथ हमें इस तरह से बंद कर देना है ये देखिए इस तरह से हमें लेते हुए एक साथ ऐसे टाइट करके बंद कर देना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे ऐसे ही ये देखिए ऐसे ही पत्ती बना लेनी है अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात ऐसे सात चैन लेना है फिर नेक्स्ट चैन में हमें जाना है और फिर यहाँ पे देखिए हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह चैन लेना है फिर इतना ढीला करके चैन हमें लेना है फिर ऐसे ही बारह चैन में से हमें फिर से ऐसे बारह बार फंदे को ऐसे लेकर एक पत्ती बनाना है देखिए ऐसे ही देखिए हर एक चैन में से हमें ऐसे ही फंदा ले लेना है फिर देखिए नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में ये देखिए हमने बारह चैन में से ऐसे बारह बार फंदा ले लिया अब इन सबको फिर से हमें एक साथ ऐसे ही बंद कर देना है लेकर इस तरह से टाइट करके ये देखिए हमारी एक पत्ती ऐसे बन गई अब फिर इसी जगह पे ये जो हमने चैन में देखिए सेम इसी जगह पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बंद कर देना है ये देखिए ऐसे हमने ये दो पत्ती बना लिया अब फिर यहाँ पे हमें एक दो तीन चार पाँच छः सात सात चैन लेकर नेक्स्ट चैन में हमें यहाँ पे जाना है ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में ये आठ आप, आपको आठ ऐसे ही पत्ती बना के दिखाया है अब हमें सेकेंड लाइन में ये सात ऐसे ही पत्ती बना लेना इसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरा ऐसे पूरा बना के यहाँ पे ऊल को ज्वाइंट करके कट कर लिया है अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये फर्स्ट लाइन में आठ बनाया सेकेंड लाइन में ये मैंने सात बनाया फिर ऐसे थर्ड लाइन में ये चैन से हमें फिर से स्टार्टिंग करना है यहाँ से ये जो बीच में हमने सात सात चैन लिया है ऐसे हर एक चैन में फिर से ऐसे ये पत्ती बनाते हुए हमें थर्ड लाइन में सात पत्ती बनाना है सॉरी छ पत्ती फिर पाँच फिर पाँछ, चार तीन दो एक इसी तरह से हमें लास्ट तक इसे पूरा बना लेना है फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये दो लाइन बना के दिखाया था सेम उसी तरह से मैंने आगे एक एक कम करते हुए ये लास्ट में जब तक एक नहीं आया है तब तक हमने इसे बना लिया है ये देखिए जो हमने ये बीच में साथ साथ चैन लिया है ऐसे हर एक चैन में हम बनाते जाएंगे तो ये हमारा नीचे से एक एक कम होते हुए ये लास्ट में एक तक आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा जैसे मैंने आपको ये दो पैटर्न देखिए बना के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें चार पैटर्न पूरा टोटल ये बनाना है तो चलिए मैं आपको पूरा बना के सेम इसी तरह से दो पैटर्न और बना के फिर दिखा सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये फोर पैटर्न में ये पूरा बना लिया है देखिए दि। दिय। इसके बीच में हमें ऐसे मोती के साथ एक एक झालर लगाना है तो चलिए मैं आपको झालर लगा के फिर मैंने ये हर एक बीच में ये देखिए पैटर्न के बीच में जो एक एक लाइन का स्पेस है मैंने हर एक स्पेस में ये ऐसे बारह मोती के साथ एक एक झालर ऐसे सुई धागा की हेल्प से लगा लिया है ये झालर मैंने कैसे बनाया है ये आप मेरे किसी भी वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा तो देखिए ऐसे मैंने हर एक यहाँ पे देखिए लास्ट तक ऐसे एक एक झालर मैंने ये लगा लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए लेबाप